वेलकम बैक टू माय चैनल संदीप राठौर दोस्तों। तो आज एक मंदिर खोजने का प्लानिंग चल रहा है, देखते हैं उसको। और दिन के बजे हैं अभी 10:30 और ये आलसियों का निकलने का टाइम है और मैं सबसे बड़ा आलसी हूँ और इसी आलस में मैं बहुत दिन से ब्लॉग भी नहीं बना रहा था और इसी आलस के साथ सोचता हूँ ब्लॉग बनाते रहूँगा थोड़े थोड़े। तो आज निकली है अपनी सवारी चकरफाटा एयरपोर्ट के पास में एक मंदिर है हनुमान जी की, जैसा कि मेरे एक फ्रेंड ने बताया मुझे जो कि पार्ट ऑफ जगदारी फैमिली का हिस्सा है, उन्होंने बताया कि वहाँ पर कुछ पुरातात्विक वो टेंपल है। तो मैं यहाँ 9 साल से रह रहा हूँ, मुझे नहीं पता था, तो मैं बोला ज़रूर उसको देख के आया जाए कि वो है कि नहीं है। तो बस अभी निकल रहे हैं फ़िलहाल, तो अभी महामाया चौक तक अकेले ही जा रहा हूँ, वहाँ से देखते हैं कौन मिलता है और फिर मंदिर पहुँच के ही बताता हूँ। और किसी और चकरफाटा के बारे में बताना चाहूँगा कि वो एकमात्र हमारा बिलासपुर के पास का एयरपोर्ट है, अभी तक उसमें कोई भी डोमेस्टिक या कोई भी मतलब ऐसा शुरू नहीं हुआ है, लेकिन प्रस्तावित है ऐसा हम बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं। तो एक उम्मीद वाली शहर में मतलब टाउन में जा रहा हूँ समझ लीजिए, जिससे बिलासपुर की बहुत उम्मीदें हैं कि हो सकता है भविष्य में हम फ्लाइट पकड़ने के लिए वहीं जाएँ। और 10:30 बज रहा है इसीलिए काफ़ी भीड़ दिख रहा है रोड पर। तो अब मिलेंगे अपन महामाया चौक पे। तो बस अगले फ्रेम में देखेंगे आप हमारे बिलासपुर का द फेमस चौक महामाया चौक, जो कि महामाया देवी रतनपुर के नाम पे है ये चौक। और ये खूबसूरत चौक हमारा जो काफ़ी अच्छा स्तंभ बना हुआ है, ये है हमारा महामाया चौक। अरे बाबा ग्रीन सिग्नल है, निकल लूँ मैं, उसके बाद बाकी का ज्ञान। अरे पब्लिक तो दौड़ने के तैयार है, मैं साइड ले लेता हूँ, जो एक्सपेक्टेड है आने के लिए बंदों उनको फ़ोन लगाना ज़रूरी है, तो फ़ोन लगाया जाए। तो अब दो हमारे दोस्त मित्र जो अभी जस्ट लद्दाख कवर करके आया है, एक मिस्टर सौरभ मजुमदार द लीडर ऑफ आवर ग्रुप रॉ, ये वाला रॉ नहीं है, दिस इज़ द राइडिंग एसोसिएशन ऑफ वंडरर, नीचे उसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा इंस्टाग्राम का। और एक है मिस्टर साहिल द यंगेस्ट बॉय ऑफ छत्तीसगढ़ हु कम्प्लीट द सर्किट ऑफ लद्दाख, मात्र 18 साल की उम्र में भैया, जब साइकिल के हैंडल नहीं संभलते थे हमसे, बंदे ने लद्दाख का सर्किट कम्प्लीट किया, वो भी मनाली रूट से, और वो भी 370 धारा लगने पे। उन्होंने क्या क्या फेस नहीं किया, उनकी स्टोरी देखना, उनके यूट्यूब चैनल देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। और ये है ऑल न्यू फेमस हमारा नेहरू चौक, बगल में अटल घड़ी दिख नहीं रहा है। और इस गैप में जब तक मैंने ब्लॉग बनाया नहीं बनाया, जो गैप थी अभी, उसमें मेरा एक लॉस हुआ है खूब बड़ा वाला, कि रुपेश सर कम्प्लीटली चले गए हैं यूपी, तो मैं अब हो गया हूँ अकेले घूमने के लिए, फ़ोटोग्राफी करने के लिए, तो बहुत मिस करता हूँ। और हो सकता है एक लंबी राइड प्रयागराज ले जाऊँ, योगी जी और हमारे बाबा जी दोनों से मिल के आऊँ। तो देश का और एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट हाई कोर्ट बस चंद कदम दूर है, तो देखने के तैयार रहिए। 1 2 और ये आपके राइट साइड में दिखेगा 3, ये है हाई कोर्ट पूरा। आए अच्छा आगे तो दिखेगा का, ये है हाईकोर्ट। अरे पूरे पेड़ पौधे से गिर गया है भाई, कुछ ना दिखा पा रहे हैं, अब ऊपर में दिखता भी ना होगा मेरे को मालूम है, हमका जब नहीं दिख रहा है। ये है हाईकोर्ट, वाह बबुआ ये है हमारा हाईकोर्ट, इसके लिए इतनी बड़बड़ किए हम, ये चलो गाड़ी चला लेते हैं।
तो हाई कोर्ट के पास इंतज़ार कर रहा हूँ मैं अपने मित्रों का, और हेलमेट निकालने का मन नहीं कर रहा, तो बहुत आलसी बताया था। चलो वेट करता हूँ, मैं टाइम लेस भी तो नहीं दिखा सकता कुछ, चलो देखता हूँ, कोशिश करता हूँ टाइम लेस दिखाने की। चलो ओके, बाय बाय। तो लगभग 1 घंटे के इंतजार के बाद आए हैं हमारे ग्रुप के नेता जी। अब लेफ्ट लेंगे हम लोग यहाँ से, क्योंकि एयरपोर्ट तक जाना है हम लोगों को। ये राइट जाता है बिल्हा और ये लेफ्ट जाता है चकरभाटा। ये पूरा बस्ती स्टार्ट होता है यहाँ से। ग्रामीणों से पूछने के बाद गब्बर गौटिया का घर खोजना है, और वहीं पर ही मंदिर है, काफ़ी बड़ा पेड़ है वहाँ पर बताया है, तो गब्बर गौटिया का मंदिर खोजते हैं। तो बस थोड़ी देर के लिए यहाँ रुके थे, व्यू अच्छा लग रहा था फोटोज खींचने के लिए। अब चलते हैं यहाँ से, था क्या बेटा, कहाँ पढ़ता है? यहीं पढ़ता है। सब इंजॉय कर रही है लोग, अपडी थोड़ा सा। तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट मंदिर के एकदम निकट जाने की, और अपन जाएंगे मंदिर के एकदम पास, पास से भी पास से भी पास। और ये है मंदिर उस समय का। वाह मैन, मस्त खूबसूरत मंदिर। वेलकम दोस्तों मेरे चैनल संदीप राठौर में। तो आज हम आए हैं एक 100 साल पुरानी मंदिर, जो देख सकते हैं मेरे पीछे है, जो छोटा वाला मंदिर है उसमें हनुमान जी विराजमान है और इसमें शंकर जी विराजमान है। ऐसा यहाँ लोग बोलते हैं कि लगभग ये 100 साल पुराना मंदिर है, जो अंग्रेज़ों के समय में से था, और ये हमारे शहर बिलासपुर से मात्र 17 किलोमीटर दूर है। और आप गाँव से अंदर पूछते हुए आएंगे तो आराम से पहुँच सकते हैं। वैसे गूगल में जो पिन है वो गलत है। और चलिए मैं आपको अंदर का भी नज़ारा दिखाता हूँ, तो चलते हैं अंदर। तो दोस्तों ये मंदिर के अंदर का ये व्यू है, और शायद तक लाइट के कारण दिख ना रहा हो। दोनों जगह मंदिर है, एक शंकर जी की मेरे पीछे जो देख रहे हैं हनुमान जी की है, और काफ़ी पुराना मंदिर है। जैसे आप पूरा व्यू देख सकते हो, और आवाज़ भी काफ़ी गूंज रही है। तो मैं मंदिर का व्यू दिखाता हूँ पूरे टाइम लैप्स के जैसे। चलो तब तक मिलते हैं, बाय। हो जाएंगे अपने अपने घर के लिए, और कल की राइड में मिलेंगे फिर हम। तो जा रहे हैं हम राजमेरगढ़। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुका हूं मैं बिलासपुर, और हम यहीं अपना ये ब्लॉग ख़त्म करते हैं। काफ़ी अच्छा और छोटा सा सफ़र था, अच्छा लगा अपने पुराने मंदिरों को देखने से, और अभी भी अच्छे से संरक्षित है वहाँ के गाँव ग्रामीणों द्वारा।
तो फिर से नए कहानी नए जगह के साथ मिलूंगा मैं आपसे बहुत जल्द। तब के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। साइनिंग ऑफ संदीप राठौर, जय हिंद। बोलो आप।